सेकंड मेडिकल स्टोरी जो है अब वो आप लोग के साथ में जिक्र करना चाहूंगी, जो कि मेरे साथ एक भाई ने जिक्र की है। तो ये मेरे भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम नूर सिस्टर, मैं एक लड़की के साथ में हराम रिलेशनशिप में था और मैं उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता था, लेकिन वो लड़की मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। बताते हैं कि जब मुझे एहसास हुआ कि मैं हराम रिलेशनशिप में हूं, मैंने अल्लाह पाक से बहुत तौबा की, बहुत ज्यादा अस्तगफार भी किया। 70,000 के तकरीबन इन्होंने 7 निसाब जो थे वो मुकम्मल किए, और कहते हैं कि साथ में सलातुल तौबा की नमाज और वो वाली दुआ जो था वो रीड कर रहा था। मुझे इस चीज का एहसास था दिल में कि मैं एक गलत रास्ते पर हूँ। मैंने अल्लाह पाक से हिदायत मांगी सलातुल तौबा के नवाफिल के बाद वाली दुआ पढ़ के, तो अल्लाह पाक हिदायत भी दी, गुनाहों से बचाया भी। लेकिन वो लड़की को जब मैंने बोला कि देखो अगर नसीब है तो हम मिल जाएंगे, नहीं है तो नहीं मिलेंगे, तुम मेरे से जो है वो रिश्ता खत्म कर दो और मुझे छोड़ दो, क्योंकि नूर सिस्टम मेरी शादी में बहुत ज्यादा वक्त था, 4 साल तकरीबन है मेरी शादी में अभी भी, और उसकी शादी जल्दी हो जाती क्योंकि वो लड़की थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं मजीद किसी की लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय करूँ। बेशक मुझसे गुनाह हुआ, अल्लाह पाक माफ करने वाले, मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया, देखो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, मेरा पीछा छोड़ दो, अल्लाह पाक के साथ कनेक्शन बनाओ और अल्लाह सुबहाना मुताला को राजी करो, अल्लाह सुबहाना मुताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे नहीं करे। बट ये कहते हैं वो लड़की किसी कीमत पर मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुझे बहुत ज्यादा उसने ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी बुराई करना स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि मैं जिस ऑफिस में जॉब करता था वहां की गर्ल्स को मेरे खिलाफ कर दिया कि बहुत ज्यादा खराब लड़का है, इससे बात जॉब देखना नहीं। से मेरे कैरियर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, मैं बहुत ज्यादा मायूस होने लगा था कि एक इंसान जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग इतने स्ट्रांग है, जिसके साथ मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, आखिर वो आज मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हैं और मुझे इतना ज्यादा बदनाम और बुरा कैसे बोल सकते। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम किसी को भी नहीं पहचान सकते कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है, हम कुछ नहीं जान। उसको लाख मना करने के बाद भी उसने मेरी अम्मी से मेरी कंप्लेन कर दी, उसको उससे बात करता था, उसको बहुत ज्यादा मेरी अम्मी से मेरी शिकायत करी, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाई कि तुम्हारे घर पे बहने नहीं है, क्यों तुमने ये सारी हरकतें, मैं शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ, जिसकी वजह से मेरी अम्मी डिप्रेशन में चली गई और बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुई। मैं बहुत ज्यादा रोया और मैंने उस दिन ये नियत किया अपने दिल में कि अल्लाह सुबहाना बताला मैं सलातुल तौबा के नवाफिल को जो है वो 21 डेज कंटिन्यू पढ़ूंगा और साथ में जो है वो 313 दरूदे नजरे करम पढ़ूंगा इशा की नमाज के बाद। आप बस मेरे इस मसले को हल कर दें, कुछ भी ऐसा कर दें गैप से कि लड़की मेरा पीछा छोड़ दे, मैं अल्लाह पाक के साथ जो है आपके साथ जो है वो सुकून से रहूं, दीन का काम करूं और नेक रास्ते पर चलूं। बेशक मैं हिदायत की तरफ आना चाहता हूँ, अल्लाह सुबहाना वताला आप बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाले हो। कहते मैंने बहुत अल्लाह पाक से हिदायत की दुआ मांगी नेक रास्ते के लिए। जब भी मैं ये दुआ पढ़ता था ना सलातुल तौबा के नवाफिल के बाद थी, तो बहुत ज्यादा ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ता था और बहुत ज्यादा दिल में फीलिंग और शिद्दत के साथ में कि बेशक अल्लाह सुबहाना वताला जो है वो आसानियां करने वाले हैं। चंद दिन गुजरे पढ़ते हुए, 21 डेज से पहले ही जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह उस लड़की का दूसरी जगह पर जो था वो रिश्ता हो गया और वो उस लड़के के साथ में बहुत ज्यादा खुश भी थी। और 21 डेज पूरे हुए हैं उसके, 3-4 दिन के बाद उसकी इतनी जल्दी अल्लाह पाक ने इंगेजमेंट भी करवा दी और उसके बाद वो इतनी ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गई कि उसने मुझसे रब्ता भी नहीं करा। मैंने उसके फ्रेंड से मालूम किया, उन्होंने कहा वो बहुत ज्यादा खुश है उसके साथ। मैं ये मौजदा देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि अल्लाह सुबहाना व तआला से अगर दिल से कुछ मांगा जाए तो अल्लाह सुबहाना व तआला जरूर देते हैं। मैंने अल्लाह पाक से जो था वो दिल से हिदायत मांगी थी, अल्लाह सुबहाना व तआला से नेक रास्ते पर चलने की तौफीक मांगी थी, गुनाहों से बचने की तौफीक मांगी थी और बेशक अल्लाह सुबहाना व तआला ने मुझे जरूर भी। हम अल्लाह सुबहाना व तआला से दिल से तौबा करते हैं, दिल से माफी मांगते हैं, अल्लाह सुबहाना व तआला जरूर देते हैं। और बिलीव मी, आप लोग से यकीन के साथ कह सकती हूँ, मेरी वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट दुआ है ये। प्लीज इसे अपनी जिंदगियों में शामिल करें, इस दुआ को कभी भी ना फॉर ग्रांटेड नहीं लें। ये मामूली दुआ नहीं है, इट्स अ मिरेकल ऑफ दुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। मैं आप लोग के साथ कभी फ्री होंगी तो जिक्र करूंगी, मैंने खुद पर्सनली इसको जो है वो मिनटों में मिरेकल्स करते हुए देखा है। जब भी मैंने यकीन से अल्लाह पाक के साथ में इसे पढ़कर कुछ मांगा है तो मुझे मिला है। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से अल्लाह पाक ने इसके पढ़ने से निकाला है।
सो आप लोग भी इसको जो है वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, और इन भाई बहनों को जो इतनी मेहनत के साथ में मेरी स्टोरी सब तक पहुंचाते हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को भी अपनी दुआ में याद रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।